ओके गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। भाई कम से कम दिवाली के नाम पे तो लाइक कर दो। हाँ, जो रोज लाइक करते हैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो यार कभी नहीं करते आज कर दो कम से कम दिवाली के नाम पे। खैर यहाँ पे यार रैंक देखो कुछ 600 नहीं 680 चल रहा है। 33 का प्लस किया हूँ, 20 का रिक्वायर्ड है, 40-50 का प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा। बाकी भाई किस्मत आज जो ही एकदम से झंड चल रही है, इतना घटिया चल रही है ना, दिवाली है। खैर उसके बाद भी यहाँ पे खेले पड़ा हूँ, और भाई कल भी इतना खराब किस्मत था, मैचेज अच्छे जा नहीं रहे थे। ऊपर के 3 मैचेस ठीक ठाक गए हैं यार, 8+12 13 का प्लस मिला है, लेकिन उसके नीचे तो देखो 0 का प्लस 0 का प्लस। भाई यहाँ पे #11 पे 5 किल किया हूँ पूरे, प्लस कितना मिला है 5 का। #3 पे 11 का प्लस, 0 का प्लस। #3 पे 5 किल, 12 का प्लस 13 का प्लस। भाई यार क्या बोलूँ, एकदम से डिमोटिवेट हो रखा हूँ यार, पता नहीं क्यों ऐसा मेरा फील, मतलब खेलने का मन ही नहीं कर रहा है, कॉन्करर करने का मन ही नहीं कर रहा है। एक तो मैचिंग इतने ज़्यादा लेट होता है ना, मैं क्या ही बोलूँ, ऊपर से भाई ये दिन देखना पड़ता है, इतना देर तक सर्वाइव करो फिर 3+4+, यार दिमाग ख़राब हो जाता है, नहीं कर रहा है मन मेरा इसे पुश करने का। भाई यहाँ पे इस बंदे ने पेमेंट कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा पेमेंट इसका ही बचा है, कर नहीं रहा है। तो भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो कर दो यार, पेमेंट कर दो, बाकी मैं कॉन्करर तो कर ही दूंगा है ना, इसीलिए फुल पेमेंट मैं पहले ही ले लेता हूँ। खैर कोई बात नहीं, जितना दिया उतना भी काफ़ी है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे देख लो इवेंट पे उतरते हैं, और बाकी आप देखो गेम प्ले वगैरह में से निकला नहीं है क्योंकि नींद में बना रहा था, और ऊपर से भाई किस्मत इतना झंड चल रहा था कि एक भी मैच अच्छा जा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो ये एक गेम रिकॉर्ड किया हूँ जिसमें थोड़े बहुत सीन हुए हैं, उसको देख लो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। अब देखो इतने सारे मैचेस में से बिना मतलब के मरने के बाद मैं सोचा फिर से पुराना ट्रिक अपनाया जाए, लेकिन यहाँ पे एक ही बोट मिलता है, और काफ़ी देर तक यहाँ पे सर्वाइव करने के बाद, लगभग भाई 3 से 4 साल तक सर्वाइव करने के बाद यहाँ पे कोई नहीं आता, बोट भी नहीं आता, ठीक है। फिर ऊपर आता हूँ, यहाँ पे एक बंदे का फुटस्टेप आता है इधर से, क्योंकि भाई मुझे किल चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बंदे बचे थे इवेंट पे केवल मेरे अलावा 4। अब भाई हो ना हो ये बंदा ना इस नेट से पक्का डैमेज हुआ होगा। अब यहाँ पे देखो सीन कुछ ऐसा था ना, मुझे फुटस्टेप आ गया था कि एक बंदा ऊपर भी है और एक बंदा ये वाला भी है, तो सीन ऐसा हो रहा था। और फिर बाद में मैं सोचा ठीक है यार घुस के देखा जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे यार कंफर्म नहीं था कि ये बंदा इधर पे होल्ड कर रहा है, क्योंकि भाई ऊपर से भी ये वाला बंदे का फुटस्टेप आ रहा था, वो तो एकदम से कैंपिंग कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा यही बंदा जो है ऊपर चला गया है, ठीक है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। खैर यहाँ पे भागने के चक्कर में पेटी बन गई, और भाई करता क्या, मुझे भागना ही था, ठीक है इधर पे। खैर को ना ये वाले अपार्टमेंट्स पे उतरता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट हो जाएगी, तो यहीं पे होल्ड करके बैठूंगा जब तक यहाँ पे जोन रहेगा। अब यहाँ पे एचपी कम थी, मैं सोचा हील कर ही लिया जाए, तभी यहाँ पे गाड़ी का साउंड आता है, फिर स्प्रे देखो। क्या ही देखोगे भाई, गाड़ी मैं उछल कूद गई, फिर भी यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। खैर यहाँ पे हमारे 3 किल हो गए, इजीली तो नहीं कहेंगे बट हो गए, ठीक है। 3 किल अपने लिए काफ़ी है, अगर काकटोर मिल जाएगा भी एंड में तो फिर और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ओके बाय बाय बाय, क्या बाय, सुनो अब मेरी बात, अभी के टाइम पे भी बंदे यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, खेले पड़े हैं, और जो बंदे डोमिनेटर पे हो तो सुनो डेली का 50+ करो, ज़्यादा यार उतना मेहनत करके ना खेलो, ज़्यादा हार्डवर्क करने का मत सोचो। अगर 70+ कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन डेली का 50+ करते हो डोमिनेटर पे हो तो भी कॉन्कर हो जाएगा। एस वाले ट्राई करो, कम से कम 70 से 100+ करो ही करो, और भाई जो नहीं एस मास्टर वाले 70 to 100+ करो, मतलब 70 से 100+ करने का ट्राई करो। और उसके नीचे जो हैं जैसे जो एस वाले बंदे हैं वो डेली का कम से कम 120 से 150 का प्लस करो, तभी जाके आपके कॉन्कर हो पाएगा, क्योंकि भाई प्लस बहुत कम दे रहा है, और आगे चल के तो 2-3 दिन बाद आपको और ही कम प्लस देगा। अभी जो मैं केयर दिखाया हूँ ना, इससे भी ज़्यादा घटिया सीन होने वाला है अभी आगे चल के। बाकी भाई मैचिंग भी नहीं लग रही है, और भाई लॉबी भी नहीं लग रही है, कभी कभी लॉबी हार्ड आ जाती है, और उसमें भी आए सर्वाइव करने के बाद भी पता क्यों प्लस वगैरह देता ही नहीं है। बाकी सीजन को जाने में अभी भी लगभग 20 से ज्यादा दिन के टाइम बचे हैं, ठीक है। अभी के टाइम से अगर जो बंदा प्लेटिनम से कॉन्कर करेगा तो उसका भी कॉन्करर पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है। बाकी हर एक मैच में ऐसा कोई मैच ही नहीं जा रहा है कि भाई जिसमें हैकर वगैरह ना आ रहे हों, तो उसका भी सीन हो रखा है। तो भाई मैं कहूंगा अगर कोई बंदा गोल्ड या प्लेटिनम में हो, डायमंड में हो, तो भाई मत करना पुश, ठीक है। अब अगले ही सीजन का वेट कर लो, अगले सीजन कर लेना, हाँ पॉसिबल है, ठीक है।
अगर आप करना ही चाहते हो तो प्लेटिनम में हो तो डेली का 300 प्लस करो, जब डायमंड आ जाए तो डेली का 250 प्लस करो, क्राउन पे भी डेली का 250 ही प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ठीक है। एस के बाद 150 प्लस करो, एस मास्टर के बाद 70 से 100 प्लस करो, और भाई डोमिनेटर के बाद भी जितना कर सकते हो 6 घंटे पूरा खेलना पड़ेगा उतना करो, क्योंकि भाई रैंक यार पिछले सीजन कुछ भाई ऐसा भगा नहीं था, अब इस सीजन ये सीन हो गया ना, ये जो डेली का जो दो रेटिंग प्रोटेक्शन आ गया ना, जिसके चक्कर में बंदे ना दोबारा से खेलने लगे, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए, तो यहाँ पे रैंक हमारा दोबारा से काफ़ी तेज़ी से भागने लगा ठीक है। तो हो सकता है सीजन का एंड का जो कॉन्कर पॉइंट है, अभी तो यहाँ पे 5500 तो लगभग हो ही गया ठीक है, हो सकता है कि 5700 तक चला जा सकता है अगर रेटिंग प्रोटेक्शन हटता नहीं है तो। बाकी ठीक है यार, अगर रेटिंग प्रोटेक्शन है भी तो आपके लिए अच्छी बात ही है ना, कि आपका एक दो माइनस वगैरह होने से बच जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे इस बंदे के पेट वगैरह लूट लेता हूँ, थोड़ा सा लूट वगैरह थोड़ी सी तो मिल गई थी, यहाँ पे डासिया से जाना आगे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा उठा लिया जाए ये वाला गाड़ी ठीक है, तो इसको लेके आगे जाते हैं। अब तभी सामने यहाँ पे कूप दिख गई, तो मैं सोचा भाई यार कूप ही उठा लेते हैं, अब देखो कूप के बाद यहाँ पे मेरे को बग्गी दिख जाती ना, तो मैं जाके बग्गी भी उठा लेता, मतलब गाड़ियाँ चेंज करता रह जाता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे अभी भी 17 बंदे बचे थे और भाई सर्कल ठीक ठाक छोटा हो चुका था, और जैसे इधर पे जाते ना यहाँ यहीं पे जस्ट सर्कल था, और यहाँ पे थोड़ा सा यार ऐसा सीन है कि पीछे का जो हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि भाई जोन के बाहर से बंदे पैदल वैदल जाके ना हमेशा आते रहते हैं पैदल वैदल चल के ठीक है, बट उसके बावजूद यहाँ पे मैं सोचा थोड़ा सा घुमा वगैरह के चेक कर लिया जाए, और भाई यहीं पे होल्ड करेंगे, और भाई यहीं पे होल्ड करता हूँ ना बैक टू बैक सर्कल जो है यहीं पे चिपकता भी चला जाता है, तो जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात रहती है। बाकी काफ़ी देर बाद यहाँ पे एक आता ही वाला BRDM, मैं सोचा ठीक है यार फिर स्प्रे करो, इसको फोड़ फाड़ दो क्या ही रखना है ठीक है, अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, बस एक और स्प्रे मारना था, इतने में तो ये फट ही जाएगा। चलो फाइनली फोड़ लिया, और इसको फोड़ के यहाँ पे हमारे इजली 4 किल हो जाते हैं ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 10 भी इजली हमारा हो गया, और भाई यहीं पे बैठे बैठे फिर से सर्कल अपने पे बनता ही चला जा रहा था। अगर आसपास से कोई रोटेशन जाता है तो भाई स्प्रे जरूर लिया करो, लेकिन थोड़ा सा वो बचा के थर्ड पार्टी जो होती है ना उसको बचा के ठीक है, नहीं तो कहीं से भी धर लिया जाओगे इससे बिना मतलब का, फिर बोलोगे यार काश वहाँ स्प्रे नहीं लिया होता, काश वहाँ पे होल्ड कर लिया होता, काश ये करता काश वो करता, ऐसे छोटे मोटे गलतियों से ना भाई आप काश काश करते रह जाओगे। अब काफी देर बाद यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट तो होता है, बट सीन देखो क्या हुआ। हाँ पहली बात तो यहाँ पे मैं स्प्रे करने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, क्योंकि भाई यार मुझे बंदे का लोकेशन ठीक से पता भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, उसके बाद ये बंदा ना हैकर रहता है, जिसका प्रूफ अभी देख लो कम से कम 15-16 किल तो किया ही किया था ये बंदा ठीक है। डेथ रिप्ले और गेम प्ले तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रो प्लेयर है, तो जिसके बजाय अब हैकर ही था, क्या बोलूँ यार यहाँ पे मैं। देखो अब यहाँ पे लास्ट वाले बंदे ने भाई इसको क्या ही इजी नॉक दिया है ना, इतना नूबड़ा था, मूवमेंट भी नहीं हो रहा था इस बंदे से ठीक है, फिर भी 15 गिल कर लिया है, तो मेरे को ऐसा डाउट था। बाकी देखो सीन, अब ये देखो कहाँ गोली फायर कर रहा था बग्गियों पे। अब इसका किल कितना था ना वो डेथ रिप्ले में दिखेगा अभी आपको। देखो ये पत्थर पे आता है शांति से, इसको मतलब पोजीशन तो पहले से पता ही था, फिर क्या ये ऐसे नो रिकॉइल और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा एम्बेड भी ऐसे सिस्टम रहता है। बाकी 15 किल तो आपको दिखे गया होगा है ना। बाकी यार ऐसा है कुछ एक और गेम प्ले था, जिसमें बंदों का मारने का ट्राई कितना करता हूँ भाई, बंदे मरते नहीं यार, गोलियाँ पता नहीं क्यों चिपक ही नहीं रही होती है। जैसे यहाँ पे देख लो पोजिशन भी अच्छा था, लेकिन अभी के टाइम पर जोन अपने सजा चुका था। अब वहाँ पे पत्थर पे एक बंदा था सामने ठीक है, टॉप 10 हुआ नहीं था, तो मैं सोचा इधर से एंगल बना के इजिली मार लूँगा, यहाँ से एंगल बनी जाएगा ठीक है। जैसे इधर पे आता हूँ मुझे स्प्रे करने के बजाय यहाँ पे टैप टैप करने लगा ठीक है, मुझे स्प्रे करना चाहिए था तो शायद ये किल मेरे को मिल जाता, उसके बाद ये वाला किल भी मेरे को मिल जाता अगर मैं पहले से ध्यान देता इस पे तो, बट मेरा ध्यान उस पे था वो वाले बंदे पे। हाँ ये जो दिखा देख लो भाई, फुल हेड पे यार, फुल हेड पे एम तक के फायर किया हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों गोलियां उसको ना चिपक ही नहीं रही थी, काफी देर से ट्राई कर रहा था इधर पे। खैर कोई ना यार, प्लीज़ हेलो 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 यार, अब लोग थोड़ा सा लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, रीच भी थोड़ा सा डाउन जा रहे हैं। हाँ हाँ आज का वीडियो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, बट भाई आज दिवाली का भी टाइम था और भाई कल वीडियो नहीं डाला था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशू, तो जिसको मैं सोचा आज डालना ही चाहिए, तो यार लाइक वगैरह कर दो, रीच थोड़ा सा डाउन मत होने दिया करो, डिमोटिवेट मत होने दिया करो यार थोड़ा सा ठीक है। देखो यहाँ पर मैं सोचा एक टू किली मिल जाए, फिर ये भैया जी ऑटोमेटिक आ जाते हैं अपने, और भाई ये और बंदा क्या ही बचा यार, अगर यही इसी को मार लेता मैं ना, जो कि मेरे को पता नहीं क्यों हैकर वगैरह भी लग रहा होता है।
अब भाई यार क्योंकि इसकी केडी ऐसी थी और भाई गेम प्ले अच्छा था तो यार ड्रॉप हो जाता है। ठीक है बाकी कोई ना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसका डेथ रिप्ले देखना है क्या? एक मिनट सॉरी, शायद रिकॉर्डिंग कट हो गई थी। चलो कोई ना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा बाय बाय।